सलात व सलाम अलैका सैयदी या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका सैयदी या हबीब अल्लाह की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ये नगमा फसलो गुलो ला इलाहा इल्लल्लाह बंदगी के दो ही मिशन है, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। दुनिया भर में दरबारे अली आप लौड़ा शरीफ के अकीदतन है या शमय रसालत के परवाने हैं और अल्लाह के दीवाने अल्लाह पाक ताजदारे मदीना के सदके से उन पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए और उनको अपनी खास हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हर तरह की मूजी मर से अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को बचा कर उस पर अपना खास करम और मेहरबानी और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया में दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से मोहब्बत करने वाले और या अल्लाह के चाहने वाले इस वक्त मौजूद हैं। बस इंशाल्लाह तीन दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर उसके बाद आपके करीब में गोरफा का है, को मरीज है, जहां को दर्द है तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे, दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए आपके पास जो भी दम की नीयत से लाई है चीज है उसके ऊपर हाथ रखेंगे इंशाल्लाह ताला, तीसरा भी खसूसी दम होगा। अब सभी लोग जहां भी देख रहे हैं इस नीयत इस इरादे से अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है, कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता। अब दूसरे दम के लिए जहां दर्द तकलीफ है, कोई मरीज है जो अपने सर पे हाथ नहीं रख सकता उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख ले ताकि दूसरा खसूसी दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए आपके पास थोड़ा सा वक्त है ताकि तीसरा खसूसी दम हो जाए, क्योंकि आपके पास एक दो मिनट हैं, आप कोशिश करें कि जो चीज आपने दम की नीयत से रखी हुई है लाई हुई दम की नीयत से उसको चाहे पानी है कोई भी चीज है जिसको आप दम करवाना चाहते हैं ताकि उस पर भी खास दम हो जाए अल्लाह पाक ताजदारे मदीना के सदके से ताकि करम और मेहरबानी फरमाए, क्योंकि जो तीसरा दम होता है वो खास होता है। कोई भी चीज आपके पास मौजूद है जो आपने दम की नीयत से लाई हुई है उस पर इंशाअल्लाह ताला हाथ इस नीयत से रखेंगे कि शफा देने वाला मेरा खुदा है, चाहे वो पानी है कोई भी चीज है जो आपके घर के अंदर मौजूद है, ताकि क्यों बहुत सारे लोग दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ का आस्थाना लिया कलश से जब पहुंच नहीं सकते तो जो रूटीन में तावीज और बत्तियों का इस्तेमाल करते हैं या चीज को पानी दम करवाते हैं ताकि उसी रूटीन से आपकी जारी रहे, आपके पास पानी है कोई भी चीज है उस पर हाथ रखें ताकि आप खुसूसी दम में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला मदीने के ताजदार के सदके से अल्लाह ताला आपको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, आपके दुखों को दूर फरमाए, आपको दर्दों से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज से जो दुनिया भर में ये मूजी मर्ज है अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से इस मूजी मर्ज से पूरी इंसानियत को बचाए। और याद रख लीजिए कि जिंदगी में जब भी कोई गम और कोई परेशानी आए तो फिर जिक्र खुदा या जिक्र मुस्तफा करो, जो ही जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला इस जिक्र के अंदर अल्लाह के जिक्र के अंदर इतनी शफा रब कहता है कुरान जमीन और आसमां में कहीं भी नहीं, लेकिन मेरे जिक्र के अंदर शफा है। जो अल्लाह के जिक्र से काम होता है वो दुनिया में और किसी चीज से काम नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह का जिक्र ही सीने के अंदर खून और जिस्म के अंदर शफा का सबब बनता है। अल्लाह ताला ताजारे मोहब्बत हमारे सीने में डाले, हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए, हमारे दुखों को दूर फरमाए
और जहां कहीं भी दुनिया में परेशान हाल मुसीबत ज्यादा लोग हैं इस वक्त मुश्किल में पड़े हुए हैं, दुखों में पड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला दुखों को दूर फरमाए। और साथ में बड़ा पैगाम है, इंशाअल्लाह ताला जो ही इस मुजरी मर्ज की वबा से हट जाएगी इंशाअल्लाह ताला उन्हीं मौकतों में उन्हीं जातों में ताजदारे खत्म नबूवत की जो कॉन्फ्रेंस है दुनिया भर में वो इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहे। इनकी बस यही सबर का वक्त है, यही बर्दाश्त का वक्त है। और याद रख लीजिए कि जिसने सबर और बर्दाश्त की है अल्लाह ने दुनिया में भी उस पर राजी हो गया है और मैशर में भी उस पर राजी हो जाएगा। अभी क्योंकि वक्त आपको काफी मिल चुका था, तीसरे दम के लिए कोई भी चीज है आप उसके ऊपर हाथ रखें ताकि तीसरा खसूसी तौर पर दम हो जाए। तीन खास दम हो गए जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे लिया बलावड़ा शरीफ से जा रहा है। और हर मोमन की पहचान जो है वो ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ के लिए हाथ उठाने जो जुमरात वो दिल में रखें मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज दरबारे एरिया बलावड़ा शरीफ।